हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो देर सवेर हुई, लेकिन देर सवेर होते होते मैडम ने अपना ब्लॉग डाल दिया। एंड हमेशा की तरह मैडम का जो कंटेंट था वो था रूहान, केकिंग, बेकिंग, यही सब। लेकिन इस बार मैडम ने केक से हट करके फुलके पे अपना ध्यान लगाया है। यानी कि मैडम अपने व्लॉग में फुलके बनाते हुए नज़र आ रही थी, वो भी गरम गरम फुलके रात के 11:30 बजे, वो भी और किसी के लिए नहीं, अपने प्यारे मैन चाइल्ड के लिए, जो कि हमेशा से सबको पता है कि मैडम अपने मैन चाइल्ड के पीछे कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो बस उसी के लिए मैडम बना रही है गरम गरम फुलके, वो भी रात के 11:30 बजे, बिकॉज मैडम को लगता है कि वो अपने प्यारे से मैन चाइल्ड को गरम गरम फुलके बना करके दे तो ही ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल है जनाब का। गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो मैडम का कहना है कि वो हमेशा से बस यही चाहती थी कि वो अपने जनाब को टिफ़िन बना करके दे, अपने बच्चे को संभाले, एंड टिफ़िन से तो ज़्यादा उनको ये पसंद आता है कि वो गरम गरम फुलके बना करके दे। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आज से पहले तो मैडम के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि उन्हें गरम गरम फुलके बना करके अपने जनाब को सर्व करना है, या फिर गरम गरम सब्ज़ी बना करके, या फिर तेलम तेल वाली कड़ी, तेलम तेल वाली मटन बिरयानी, ये सब कुछ मैडम को पहले तो दिमाग में नहीं था कि ये सब कुछ मुझे गरम गरम सर्व करना है अपने जनाब को जब वो आ जाए, या फिर आने वाले रहे, रास्ते पे रहे, तब। ये सडनली मैडम के दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, क्या सोच के एक मैडम ने ऐसा कहा या फिर ऐसा कर रही है, वो तो मैडम ही जानेगी। लेकिन पिछले 5-6 साल से तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मैडम। उस समय आपका ये जो प्यार था, बेशुमार प्यार जो अभी उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, वो कहाँ चला गया था मैडम। पिछले 5-6 साल से तो आप ऐसा कुछ गर्म गर्म सर्व नहीं कर रही थी अपने जनाब को। हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है ना मुंबई में, तो अगर पहले के बने हुए या फिर बासी कल के बने हुए रोटियां मैडम सर्व करेगी अपने जनाब को, तो वो रोटी कम और पापड़ ज़्यादा हो जाएगी ना, इसलिए क्योंकि बर्फ़ गिर रही है ना वहाँ मुंबई में, तो इसी वजह से मैडम ने ये सब कुछ सोचा होगा। एंड यही सब सोचते सोचते मैडम ने सोचा कि चलो अपना नमक जो है वो छलक के सेट पे भी बिखेर दिया जाए, बिकॉज फ़िलहाल तो वही हो रहा है। जितने भी लॉयल कंटेस्टेंट थे, जितने भी जेन्युइन कंटेस्टेंट थे, जो कि रियली में वहाँ डिज़र्विंग थे, डिज़र्व करते थे वहाँ पे रहना, उनको तो इन लोगों ने एलिमिनेट करा दिया। एंड जो नॉन डिज़र्विंग हैं वो लोग यहाँ पर हैं एंड टॉप 2 में पहुँच गए हैं। मैं मनीषा रानी की बात नहीं कर रही, मनीषा रानी की तो फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, एंड उससे भी ज़्यादा वो एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि इन सब से ऊपर एक वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है। तो इस वजह से वो अगर टॉप 2 में है तो चलो वो जेन्युइन है, वो डिज़र्विंग है, इस वजह से वो टॉप 2 में है, तो ये बात तो सही है। लेकिन जनाब का मुझे समझ में नहीं आता कि जनाब टॉप 2 में कैसे पहुंच गए। मतलब नॉन डिज़र्विंग कंटेस्टेंट है ये बंदा, इसकी सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग ही है, एंड वो भी पाकिस्तान से एंड बाहर के देशों से। इंडिया से भी इसकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये टॉप 2 में है। एंड जब इसने और शिव ने सेम परफॉर्मेंस किया, सेम सब कुछ था इन दोनों का, उसके बावजूद शिव को इतने कम मार्क्स मिले, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। शिव के जो कॉन्टेस्ट ये है, फ़ैन फॉलोइंग है, शिव के जो चाहने वाले हैं वो लोग इतना ज़्यादा भड़के हुए हैं जनाब के ऊपर में एंड मैडम के ऊपर में, बिकॉज मैडम जो है अपना नमक खिला खिला करके पूरी झलक की टीम को अपना बना चुकी है। एंड अब सब सोच रहे हैं कि हम इनका नमक खा करके नमक हलाली कैसे करें। इस वजह से जनाब को टॉप 2 में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो शिव की भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड शिव ने भी जब सेम परफॉर्मेंस किया था, सेम थीम था, सब कुछ सेम था, तो उसके बावजूद शिव का जो है मार्क्स इतना कम क्यों आया, इतना लो मार्क्स शिव को क्यों दिए गए। तो इसी वजह से शिव की जो फ़ैन फॉलोइंग है, शिव के जो ये चाहने वाले हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा ही भड़के पड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही गुस्से पड़े हैं कि ऐसा कैसे हो चुका है भाई,
कि सब कुछ सेम सेम होने के बावजूद मार्क्स मुझे कम हो गया। तो बस यही सब चल रही है झलक के सेट पे, क्योंकि नमक खाया हुआ है तो नमक हलाली तो नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो बस यही सब नौटंकी चल रही है झलक दिखला जा के सेट पे, एंड यही सब देखने को मिल रहा है हम सबको। इसके अलावा मैडम की जो व्लॉगिंग की दुनिया में जो ढेर सारे जलवे दिख रहे हैं वो भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कल के पॉडकास्ट में बता दिया था, लेकिन एक चीज़ जो मिस आउट हो गई थी वो थी मैडम साहिबा की मम्मी को लेकर के, क्योंकि मैडम साहिबा जो है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं उनके अपने मम्मी के साथ में, फादर के साथ में, पुराने रिश्तों के साथ में, जिनको वो जीना नहीं चाहती। चाइल्डहुड फेस में बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं। तो जब अगर ऐसी बात है तो फिर आज वो ब्लैक पैचेस कहाँ चले गए मैडम, कि आप सब जगह अपने उसी ब्लैक पैचेस को लेकर के जा रही हो। चाहे रूहान को लेकर के घूमने जाना हो, फिरने जाना हो, रूहान को संभालना हो, उसकी नैनी बनना हो, नानी से नैनी बनना हो, तो सब जगह आपके वही ब्लैक पैचेस वाले रिश्ते काम आ रहे हैं, आपके वाइट पैचेस वाले रिश्ते काम नहीं आ रहे हैं, आपके अपने लोग काम नहीं आ रहे हैं। अपने लोगान में अभी आपकी प्यारी सी ननद, जो कि ननद नहीं आपकी बेटी है, वो अभी गई थी, तो आपके अपने लोग में शामिल नहीं होकर के बल्कि ब्लैक पैचेस वाले लोग शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब सडनली ये चेंजेस कैसे हो गया मैडम? अब कुछ टाइम के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, अब कुछ टाइम के बाद मैडम इंटरव्यू देते हुए यही नज़र आएंगी कि मेरे जो ब्लैक पैचेस थे ना वो वाइट पैचेस में बदल गए हैं, मेरे जो डार्क फेसेस थे वो वाइट फेसेस में बदल गए हैं, मेरा जो रिश्ता है ना मेरी मॉम के साथ में बहुत गहरा है, बहुत बॉन्डिंग है हमारे बीच में, बहुत प्यार है हमारे बीच में, यही सब सुनने को मिलेगा। बिकॉज़ अभी रूहान को संभालने के लिए दूसरी नैनी तो मिलेगी नहीं, एंड मिलेगी भी तो फ्री फोकट की नैनी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ तो फ्री फोकट की नैनी मिल रही है। कुछ टाइम से ये नैनी मिस आउट थी क्योंकि इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, तो उनका सेवा सत्कार करना, खाना पीना, ये सब कुछ करना इनको हो रहा था, क्योंकि व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही कि इनकी खुद की बहन आई हुई थी एंड बहन की बेटी आई हुई थी, तो वो लोग मुंबई में ही रुके हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के घर पर रुके हुए होंगे, इन्हीं के फ्लैट में रुके हुए होंगे, एंड जब जाना था तो जाने से एक दिन पहले मुँह दिखाई करने के लिए वो लोग दीपिका मैडम के पास में आ गए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं से तो न्यूज़ हवा में उड़ करके आई ही होगी कि दीपिका के मायके वाले आए हुए हैं मुंबई में, तो अगर मैडम साहिबा अपने व्लॉग में नहीं दिखाती तो अलग से ट्रोलिंग का शिकार हो जाती। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए मैडम साहिबा ने उन्हें अपने व्लॉग में दिखा दिया, एंड नैनी जी वहीं पर बिज़ी थी, एंड जब वहाँ से बिज़ी शेड्यूल ख़त्म हो गया तो मैडम साहिबा ने फिर अपने पीछे नैनी को लगा दिया, क्योंकि उससे पहले नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि मैडम ना तो कहीं घूमने गई, ना फिरने गई, ना ही उनकी मम्मी कहीं नज़र आई व्लॉग में, क्योंकि वो थी ही नहीं तो नज़र कहाँ से आती, वो अपने फ्लैट में थी। जब वहाँ से छुट्टी मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो आ गई वापस से यहाँ पर। तो यही सब नौटंकी चलती है इनके ब्लॉग में, मैडम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते रहती हैं, चेहरे बदलते रहती हैं, एंड अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो सबसे रिश्ते जोड़ती भी रहती है, उनको अपने पीछे दौड़ाती है, उनका इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में करती है। तो यही सब था आज के पॉडकास्ट में, जो कि मैडम के व्लॉग में मैंने नोटिस किया एंड उसके ऊपर आज का ये पॉडकास्ट था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक